वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था किसानों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीज निगम बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा भी किया गया कि प्रत्येक किसानों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और जो अगस्त माह से संबंधित दिवस व तिथियां हैं उसे यहां पर देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 1 अगस्त को ही इस वर्ष 2021 में मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया गया, क्योंकि अगस्त का प्रथम रविवार जो होता है ये मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा हमारा है दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती जिसे कि कवि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और फिर 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। अगला है 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। अब यहां पे हम इस वीडियो में नागासाकी दिवस के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। कई बार यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो यहां पर इसे मैंने ऐड किया है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं 6 अगस्त से, क्योंकि 6 अगस्त भी यहाँ पर जापान के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे अभी आपको कुछ देर पहले बताया 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है जापान में। तो यहाँ पर हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था जिससे कि 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी। इस तबाही में हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से 1,40,000 आबादी एक ही झटके में मारे गए थे। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस बम का नाम लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और ये हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। अब यहाँ पर आगे लिखा गया, इस लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम का प्रभाव इतना भयानक था कि कई वर्षों तक अनगिनत लोग इसके विकिरण के प्रभाव से मरते रहे थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, उसके बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया था जिससे लगभग 74,000 लोग मारे गए थे। तो दोनों यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे वो इसका डेट है, वो किस तिथि को बम गिराया गया था। तो एक तो है कि हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और वहीं पर दूसरा अगर हम बात करें नागासाकी की तो 9 अगस्त 1945 को अर्थात 3 दिन बाद। अब यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने लायक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो दूसरा ये है कि कौन सा बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे सीधे पहले प्रश्न पे, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया है। ये बिहार में पहली बार हुआ है, ये बिहार के मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना एम्स। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में पहली बार पटना एम्स में एक 15 वर्षीय युवती का न्यूरो सर्जरी विभाग में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर की दुर्लभ सर्जरी हाइब्रिड विधि से सफलतापूर्वक किया गया है और बिहार के लिए यह चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 15 वर्षीय युवती का न्यूरो सर्जरी विभाग में ये ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर का मतलब कि सफलतापूर्वक सर्जरी किया गया है। अब यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है वो युवती। अब यहाँ पर पटना एम्स के बारे में लिखा गया, ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना यानी कि पटना एम्स आधिकारिक तौर पर जयप्रकाश नारायण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना बिहार में स्थित एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो यहां से ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है, संबंधित चीजें जो भी होती है वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही पटना की, तो पटना वास्तव में बिहार का एक जिला और साथ ही साथ बिहार की राजधानी है, लेकिन इसके अतिरिक्त पटना बिहार में एक परमंडल भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 परमंडल है और पटना भी उन 9 परमंडल में से एक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना परमंडल है और इसका जो मुख्यालय ये पटना में है और इसके अंतर्गत जो जिले हैं ये 6 जिले हैं जो कि पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा, ये 6 जिले पटना परमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर मैप पर देख कर हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछ
पूछा गया है वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा प्रश्न क्या है। यहाँ पर आप मैप पर देख सकते हैं, ये पटना प्रमंडल पटना जिले की स्थिति है मैप में, बिहार वाले मैप में। अब यहाँ से एक बार बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था कि पटना जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिला के 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपने जिले की सीमा को साझा करता है। ये जिले कौन कौन से उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मैप पर। तो मैं यहाँ पर नालंदा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नालंदा 1, लखीसराय 2, बेगूसराय 3, समस्तीपुर 4, वैशाली 5, सारण या फिर छपरा 6, भोजपुर 7, अरवल 8 और जहानाबाद 9। तो कुल मिला के ये 9 जिले हैं जिसके साथ मतलब कह सकते हैं पटना की जो पटना जिला की जो सीमा है ये साझा होती है। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार वन विभाग की टीम ने हाल ही में किस जिले में 16 किलो 100 ग्राम वजन के हाथी का दांत बरामद किया है। किस जिले में बिहार वन विभाग की टीम को यह उपलब्धि हासिल हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया में ये मतलब कि बरामद किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार वन विभाग की टीम ने पूर्णिया में 16 किलो 100 ग्राम वजन के हाथी का दांत के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। यानी कि यहाँ से जो हाथी के दांत बरामद हुए जिसकी वजन 16 किलो 100 ग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है, यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा है हाथी दांत का उपयोग, किस चीज़ में हाथी के दांत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कि सिर से गायब बालों को उगाने, शक्तिवर्धक दवा बनाने, चूड़ियाँ कंगन, गहने रखने के बक्से, बिलियर्ड्स गेंद, पियानो चाबियों, बटन और कई प्रकार के सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है हाथी के दांत का, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं बाहर जो निकला हुआ व्हाइट व्हाइट, यही हाथी का दांत होता है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों में भारत ने हाल ही में 13 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐड किया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को 13 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। पिछली बार अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। यानी कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक में जो पिछला पदक आया था भारत के नाम गोल्ड मेडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में आया था जो कि अभिनव बिंद्रा ने ये भारत को दिलाया था। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हराकर जीता था। ये आपको याद रखना, ओलंपिक के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉलैंड को हराकर 3-0 से हराकर भारत ने जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 10 स्वर्ण पदक यानी कि 10 गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक के मतलब इतिहास में 10 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किया 2020 वाला मिला के, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला मिला के भारत का कुल 10 गोल्ड मेडल होता है, इससे पहले 9 था। अब यहाँ पे आगे लिखा गया टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 पदक जीते। आगे यहाँ पे लिखा गया भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल, शटलर पीवी सिंधु और रेसलर बजरंग पुनिया, उस बाद बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न जो है ओलंपिक से संबंधित हैं। ओलंपिक से संबंधित लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है, वो वीडियो जल्द ही चैनल पे आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जल्द ही वीडियो चैनल पे आएगा, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, एक भी प्रश्न वहाँ से आपका बाहर नहीं होगा। सारे के सारे प्रश्न मैंने ओलंपिक से संबंधित उसमें डाले हैं जो कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है, तो आप लोग इंतजार कीजिए, जल्द ही वो वीडियो चैनल पर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अभी हाल ही में इस पुरस्कार का नाम बदलकर यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि खेल रत्न पुरस्कार के रूप में 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सम्मान युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल सम्मान का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर मेजर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि अभी हाल ही में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि भारत ने पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण पदक जीता था और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। अब जो यहाँ पर मैंने इस दोनों पॉइंट को ऐड किया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, इस मतलब ओलंपिक में सर्वाधिक गोल मेजर ध्यानचंद ने ही किया था। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, तो 29 अगस्त को इनके सम्मान में प्रतिवर्ष भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट को ऐड किया, तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, किस राज्य में एक साल प्रशिक्षण देने के बाद हाल ही में 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में भिखारियों के जीवन स्तर को बदलने और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के द्वारा भिखारियों को ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और इसके पहले चरण में हाल ही में जयपुर में सड़क पर भीख मांगने वाले 60 लोगों को एक साल की ट्रेनिंग देने के बाद अभी हाल ही में रोजगार दिया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने अगला पॉइंट लिखा है, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे याद नहीं लेकिन 63वीं से 64वीं दोनों में से किसी एक एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखा मैंने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल भिखारियों की जो संख्या थी ये 4,13,670 थी। अब यहाँ पर कंप्लीट सूची आप देख लीजिए, सर्वाधिक जो भिखारियों की संख्या ये पश्चिम बंगाल में है, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर बिहार, पांचवें स्थान पर मध्य प्रदेश और छठे स्थान पर राजस्थान है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी प्रश्न को आप मतलब छोटा नहीं आंक सकते, कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। करेंट अफेयर्स का जो भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप निसंदेह ही उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरा ये मतलब तजुर्बा है, जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे अच्छी समझ है कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए मैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये नहीं, करंट तो बहुत सारे बनते हैं, अगर आप बोलेंगे बिहार करंट का डेली 20 प्रश्न में बताने को, तो मैं 20 प्रश्न आपको बता दूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। क्या इंपॉर्टेंट होंगे वो मुझे पता है, तो आप लोग मुझ पर भरोसा करके इस चैनल पर भरोसा कीजिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और वीडियो से अगर आपको सचमुच का हेल्प मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, छठा प्रश्न, यह प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए किस राज्य सरकार को स्कॉच फाउंडेशन द्वारा 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अभी हाल ही में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूँ कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को स्कॉच फाउंडेशन द्वारा 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 4 पुरस्कारों में 1 प्लेटिनम, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर अवार्ड शामिल है। ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना है कि 1 प्लेटिनम, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर इन 4 अवार्ड में से शामिल है, जो कि अभी हाल ही में ये मतलब कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी देश में बिजनेस शुरू करने में और इसको चलाने में कितनी आसानी है, और इस इंडेक्स को विभिन्न देशों में कारोबारी नियमों और प्रशासनिक अनुमति के सरलीकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जो कि विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि लोकसभा में हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास हो गया है, इसके तहत निम्न में से कहाँ पर वहाँ का पहला केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। निम्न में से कहाँ पर वहाँ का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि लोकसभा में हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया, और इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में ये स्थापित होगा और ये लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इसके लिए केंद्र सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए यानी कि 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और लद्दाख में इस विश्वविद्यालय को बनाने का मूल उद्देश्य यहाँ के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा है कि 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने पर अपनी मोहर लगाई थी। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता होगा। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि हाल में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे, किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के नाम अब सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया है। यहाँ पर आगे लिखा गया 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया था और फिर 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। अर्थात कह सकते हैं सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ जो अगला पॉइंट पे इस पॉइंट में जो लिखा गया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को, ठीक है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फुटबॉल और बास्केटबॉल। अर्थात इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केरल में जन्मे 2 बार के ओलंपियन रह चुके शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और वह 1956 और 1960 के ओलंपिक खेलों में भारत के गोलकीपर थे। वे फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल से संबंधित थे तथा महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका जन्म हुआ था केरल में लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते थे महाराष्ट्र से। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये 2 बार के ओलंपियन रह चुके हैं जो कि 1956 और 1960 के ओलंपिक खेलों में ये भारत के गोलकीपर थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी दे दूँ, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और यहाँ पर आप जो इस व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre-21 लिख के मैसेज करना है। यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको दिख रही है सारे के सारे आपको अवेलेबल कराया जाएगा पेड ग्रुप में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये वन टाइम पेमेंट है 399 रुपये का, आपका एक साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें आपको तमाम मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बहुत सारे मेंबर इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ईरान। इब्राहिम रईसी अभी हाल ही में ईरान के 13वें राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि 60 वर्षीय इब्राहिम रईसी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। जून 2021 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 62% मतलब कि वोट यहाँ पे होना चाहिए 62% वोट हासिल किया था। यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है इब्राहिम रईसी और इब्राहिम रईसी ईरान के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। वे राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट लिखा गया कि ईरान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्षों का होता है। तो ये सारे संबंधित चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। 62% वोट के साथ इन्होंने मतलब ये जीत को हासिल किया था और ये ईरान के 13वें राष्ट्रपति बने हैं और ये मतलब 4 वर्षों के कार्यकाल के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश बन गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला ये 5वां देश बना है जर्मनी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA समझौते में संशोधन के बाद जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश बना है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है और ये सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत वह फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पे ही इसे शुरुआत किया गया था। वर्तमान में इसके जो मतलब सदस्य देश हैं ये 121 देशों के साथ ये मतलब सहयोग संगठन ये मतलब गठित है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया ये वीरेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह पोर्टल
और ऐप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाएगा और इससे वे अब सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। तो इसे ही ध्यान रखते हुए इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल वाले वीडियो में दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। जो लोग इस मतलब पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर pre-21 लिख के मैसेज करें। आपको डेमो पीडीएफ के तौर पर कुछ पीडीएफ मिलेंगे, आप उसे देखेंगे, उसके बाद निर्धारित करेंगे कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।